गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों आज है सिक्स जून 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज पेपर की सितेंद्र चौधरी और फिर से आज आपके लिए हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो इशू चल रहा है रिफ्यूजीज का म्यांमार से बहुत सारे इलीगल रिफ्यूजीज वहां पे आ रहे हैं लोग वहाँ पे आ रहे हैं इनफ्लक्स हो गया है बहुत ज्यादा उसके लेके मेथी जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो भी एक इशू यहाँ पे आता है तो उसको लेके थोड़ी सी बात करेंगे जनरल बातें करेंगे नॉर्थ ईस्ट में रिफ्यूजी क्राइसिस को लेके और यहाँ से यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स के अंदर कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है उसके परस्पेक्टिव से इसको हम लोग करेंगे उसके अलावा एन आई आर एफ रैंकिंग जो हर साल दी जाती है हमारे कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज वगैरह को तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेजों को क्या रैंकिंग मिली है ये पैरामीटर क्या क्या होते हैं इसके अंदर उसके अलावा जो लार्ज स्केल हाइडल जो कोलाइडर है भाई उसके बारे में बात करेंगे जिसमें गोड पार्टिकल हिक्स बोसोन की बात की गई थी तो साइंस एंड टेक परस्पेक्टिव से इसको हम लोग करने वाले हैं पूरा मामला क्या है पूरा आपको बताऊंगा इसके अंदर ये न्यूज में क्यों है पहले क्यों था यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में आ, ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हो रही है उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा छोटा सा टॉपिक है ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वो घीसे पीटे से पॉइंट इसके अंदर दो चार बताए गए हैं वो इन्फ्लेशन रशिया यूक्रेन एंड ऑल दैट कुछ खास नहीं लगा मुझे बट थोड़ा सा देख लेंगे ब्रीफली डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होती है कैसे काम करती है इसका पोटेंशियल थ्रेट क्या है और कुछ बेनिफिट के बारे में भी बात करेंगे जब भी डीप uh, फेक के बारे में बात होती है ज्यादातर बातें थ्रेट की होती है लेकिन आप आज इसको मैं आपको दो तीन अच्छे पॉइंट भी बताऊंगा कैसे हम लोग इस टेक्नोलॉजी का अपनी बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं उसके अलावा कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने बताई दिए तो हम यहाँ से इंक्लूड करने वाले हैं चलिए जी फ्रंट पेज भी क्या आज कुछ हो रहा है क्या एक बार थोड़ा देख लेते हैं फ्रंट पे जो है एक जो न्यूज ये है वही और तो इसमें कुछ है नहीं रेलवे टू सिक्योर सिग्नलिंग इक्विपमेंट विद डबल लॉक तो बेसिकली जिस रूम के अंदर जिस सेफ प्लेस के अंदर वो मशीन रखी जाती है ठीक है उसे कहते हैं गुमती उसे गुमती कहते हैं ये जो मशीन होती है ना इससे डिसाइड किया जाता है रेल का ट्रैक क्या होगा ठीक है इंटरलॉकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग वो बेसिकली इसी से होती है तो ऐसा माना जा रहा है ऐसा ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं अभी तक हालांकि पूरी इंक्वायरी चल रही है कि ये जो ट्रेन ने अपना रूट चेंज किया था वो सीधा ट्रैक पे आ रही थी और अचानक से मुड़ गई उसके मुड़ने का एक रीजन ये है कि उसको ग्रीन सिग्नल मिला था वो ग्रीन सिग्नल इसीलिए मिला था क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग जो मशीन है वहाँ से उसको ग्रीन सिग्नल आया था इसमें ह्यूमन का रोल क्या हो सकता है कि शायद किसी ने वहां से वो चेंज किया हो सिस्टम हैक हो गया हो कुछ भी हो सकता है सीबीआई उस एंगल को भी देख रही है फिलहाल तो लेकिन अभी आगे के लिए गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि वो जो मशीन होती है उसे डबल लॉकिंग सिस्टम किया जाएगा और जब भी उसका लॉक ओपन किया जाएगा तो एक एस के थ्रू जो है कन्फर्मेशन आएगा तो ये इन्होंने कहा है तो एक लॉकिंग जो है वो आ, स्टेशन मास्टर के पास होगी और दूसरी जो है वो जो रेलवे बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके पास होगी तो एक तो उन्होंने बेसिकली ये स्टेप यहाँ पे लिया है बाकी वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है वो चालू हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली एक और इंसिडेंट हुआ है वहीं आसपास उड़ीसा के अंदर ही जहां पे एक मालगाड़ी के तीन चार डब्बे उतर गए हैं हालांकि अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ वगैरह वहां पे हुई नहीं है लेकिन वो ट्रैक काफी सेंसिटिव है और कल आपको मैंने कुछ इंडिया के अभी तक के सबसे जो डेंजरस ट्रेन हादसे हुए हैं उसके बारे में भी आपको मैंने बताया था चलिए जी एक बार देख लेते हैं क्या है ये तो कल वाला आर्टिकल है ये हम लोगों ने कल आपसे एमसी क्यू पूछा था विद रेफरेंस टू द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू मोस्टली स्टूडेंट ने इसका बिल्कुल सही दिया है अगर आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं तो ये इस तरह की जो ऑर्गेइजेशन होती हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन से हर बार एक दो क्वेश्चन आते हैं इस बार भी आए हैं पहले भी आएंगे फ्यूचर में भी आएंगे तो ये टॉपिक्स आप हमेशा करके चले यू नेवर नो कब यूपीएससी किस चीज के ऊपर फोकस कर देता है कभी कभी एक टू uh, का टाइम तो ऐसा था जब यूपीएससी ने आठ सात क्वेश्चन पूछ लिया करता था ऑर्गनाइजेशन रिपोर्ट्स वगैरह से तो यू नेवर नो कब ट्रेंड चेंज हो सकता है तो अपनी तैयारी आप हमेशा अच्छे से करके चले इंटरनेशनल कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए खासकर क्लाइमेट चेंज वाले परसपेक्टिव से बायोडाइवर्सिटी वाले परस्पेक्टिव से इसको थोड़ा अच्छे से किया किया करें तो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी का क्वेश्चन 2014 में ऑलरेडी पूछा गया है इसका सही आंसर हो जाता है वन इट सर्व्स एज द फाइनेंशियल मैकेनिज्म

वाले फील्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है उसके थ्रू ये काम करता है अच्छा पहले स्टेट इसके अंदर क्या दिया है ओईसीडी नहीं नहीं भैया है ये ये तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है ओईसीडी का रोल इसमें नहीं है तो एक छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के परस्पेक्टिव से चलिए जी रिफ्यूजी इनफ्लक्स इन टू सिक्योरिटी इशू इन द स्टेट तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कहता है देर इज अ वेरिएशन इन द नंबर ऑफ फ्रॉम म्यांमार गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस फोर्स देर आर ओवर एट थाउजेंड फ्रोम मणिपुर एंड ओवर नाइन हंड्रेड पीपल फ्रॉम बांग्लादेश विच ऑफिशियल सेट वाज एक्सपेक्टेड टू गो अप फर्दर मतलब इतने लोग ऑलरेडी वहां से आ चुके हैं और नियर फ्यूचर में ये जो संख्या है दस हजार भी हो सकती है और थर्टी थाउजेंड तो लोग ऑलरेडी एक्चुअली रजिस्टर करवा चुके हैं पिछले एक दो साल के अंदर एज पर द स्टेट गवर्नमेंट देर आर अराउंड फोर्टी थाउजेंड म्यांमार नेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मिजोराम सिंस द मिलिट्री टेक ओवर जब से म्यांमार के अंदर मिलिट्री कूप हुआ है तब से चालीस हजार लोग वहां पे आ चुके हैं अरे आठ दस हजार लोग तो सिर्फ पिछले महीने में ही आ चुके हैं तो इतना ज्यादा इंफ्लक्स वहां पे हो गया जिसकी वजह से दिक्कत क्या है नार्कोटिक्स की स्मगलिंग वहां पे काफी बढ़ गई है देखिए पिछले कुछ टाइम में फॉर द इंस्टेंस लास्ट ईयर आपको पता है 603 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया है भैया 603 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं यार ठीक है तो इसीलिए जो ये इवन इवन सिर्फ ड्रग्स ही नहीं बल्कि वेपन स्मगलिंग भी बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे हो रही है ड्रग्स भी बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे हो रही है क्योंकि तो म्यांमार ने वहां पे लगा दिया है क्या कर्फ्यू लगा दिया है तो लोग मिजोरम के अंदर आ रहे हैं तो ये केस तो यहाँ पे बनी रहा है अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखें यहाँ पे आप यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा गया है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ द इंसर्जेंट इज ओनली वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस मतलब क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के अलावा भी वहां पे दूसरे चैलेंजेस हैं एक स्टेटमेंट में बता रहा है आपको फेसिंग द पॉलिसिंग ऑफ द बॉर्डर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एग्जामिन देरियस चैलेंजेस करंटली इमेनेटिंग अक्रॉस द इंडो म्यांमार बॉर्डर आपको चैलेंजेस बताने हैं जिसमें वेपन स्मगलिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिक्योरिटी कंसर्न टेररिज्म वो सब यहाँ पे आ जाएगा ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स टू काउंटर दैलेंजेस सीधा सीधा क्वेश्चन है टू फिफ्टी मार्क्स का इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है यह सब आपके नोट्स के अंदर ऑलरेडी इस तरह की चीजें होती है द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन इंफेस्टेड विद इंसर्जेंसी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एनालाइज द मेजर रीजन फॉर द रि सर्वाइवल ऑफ द आर्म्ड इंसर्जेंसी इन दिस रीजन वन फिफ्टी वर्ल्ड के अंदर आपसे सवाल पूछा गया है ये यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन है और जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक से यूपीएससी दो तीन चार क्वेश्चन पूछता है इसका मतलब वो क्या है यूपीएससी कह रहा है आपको कि बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको छोड़ के नहीं जाना है क्योंकि तो हम लोगों ने यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछा है आगे भी पूछेंगे तो ये जो यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं थोड़ा आपको ध्यान से देखने पड़ते हैं एनालिसिस आपको करनी पड़ती है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनकी मैं बात वहां पर कर रहे हैं जो कि वहां पे एक्टिव है आसाम के अंदर आप देख सकते हैं उल्फा और एनडीएफएफ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड अभी दोनों बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है गवर्नमेंट गर्म, के साथ इनका ट्रूस हो चुका है लेकिन कभी कभी ये भी उठ उठ खड़े होते हैं अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन की वजह से मणिपुर के अंदर आप देखिए यहाँ पे पीपल लिबरेशन आर्मी है पी उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है मणिपुर पीपल लिबरेशन फ्रंट है मेघालय में गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी त्रिपुरा में ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स नागालैंड नेशनलिस्ट सोशलिस्ट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ द नागालैंड खापलांग ये तो यहां पे दो ग्रुप हुआ करते थे एक खापलांग हुआ करता था एक आइजेक मीवा हुआ करता था तो वो मीवा का तो खैर अभी भी गवर्नमेंट के साथ काफी चलते हैं खापलांग ग्रुप जो है अभी थोड़ा सा ठंडा है शांति वाला काम करता है तो मिजोराम के अंदर जो है वो बहुत सारे जो है म्यांमार से यहाँ से कुकी ट्राइब्स वगैरह के लोग इधर से आ रहे हैं तो जो इशूज यहाँ पे बन रहे हैं और जब इंसर्जेंसी की बात करते हैं तो इसके भी बहुत सारे रीजनस है नॉर्थ ईस्ट के अंदर एथनो नेशनलिज्म नो ब्रिटिश पॉलिसी हुआ करती थी आइसोलेशन की तो अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से बहुत सारे ट्राइब जो है वो आइसोलेशन फील करते हैं मेन लैंड पॉपुलेशन से और uh, ट्राइबल्स के बीच में भी इश्यूज चलते हैं आपस में हिस्टोरिकल एंड ऑल दैट टेरिटरी को लेके भी बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे होते हैं ऑटोनोमी uh, की डिमांड होती है जैसे नागा मूवमेंट के लिए वो ग्रेटर नागालिम की बात करते हैं uh, ग्रेटर नागालिम है ना तो उसके अंदर अरुणाचल त्रिपुरा मिजोराम कई सारे स्टेट्स के जो नागा डोमिनेटेड एरियाज हैं उसकी बात करते हैं देखिए नागा कोई एक एक ट्राइब नहीं है कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नागा शायद कोई खाली ट्राइब है नहीं नागा बेसिकली नागालैंड में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको नागा कहा जाता है ठीक है और ये इसके अंदर बहुत सारी ट्राइब्स आती हैं लेकिन वो सभी अपने आप को नागा ही कहती हैं ठीक है उसके अलावा नेबरहुड से भैया प्रॉब्लम है इमिग्रेशन वाली है ना वो बांग्लादेश लिबरेशन लिब्रेशन खासकर 1971 के बाद ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई थी तो जो बॉर्डर इश्यूज हैं वहां पे बहुत सारे बंगलादेश बसे हुए हैं और उसकी वजह से क्लैश होते हैं लोकल लोगों के साथ कई सारे मिलिट्री ग्रुप वहाँ पे हैं जैसे कि यहाँ पे आईजेग मीवा खापलांग ग्रुप वगैरह को मैंने बता ही दिया एन ट्राई पीपल जो 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 जो, जो आउटसाइडर्स होते हैं आ, फिर वहाँ पे मनी लैंडर्स वाली प्रॉब्लम दैट वो भी चलती है टेररिस्ट कैंप वगैरह भी वहाँ पे कई बार देखने को मिलते हैं इनस्टेबिलिटी है क्योंकि म्यांमार देश में अगर आपके पास आपके पड़ोस में अगर इशू होंगे तो आपके घर में शांति नहीं रह सकती सीधी सी बात है तो म्यांमार के अंदर जो इशू है आप उससे अनटच तो आप नहीं रह सकते तो समस्या इसलिए यहाँ पे भी बढ़ जाती है और ये गोल्डन ट्राइंग म्यांमार जो है वो गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है कोई भैया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट क्वान्टिटी में ड्रग्स यहाँ पे पैदा होती हैं तो वो भी एक यहाँ पे समस्या है इलीगल ड्रग्स स्मगलिंग वेपन एंड ऑल दैट चाइना से भी आते हैं ऐसा सुना गया है उसके अलावा अब का कई बार मिस होता है तो लोगों के बीच में एक गुस्से की भावना होती है तो कई लोग उसकी वजह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और हथियार वगैरह उठा लेते हैं अनफॉर्चुनेटली तो ये सब चीजें भी यहाँ पे हैं तो दीज आर सम रीजन फॉर द इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप यहां पे लिए है ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है डोनर एक हमारा प्रोग्राम चलता है सरकार का जिसमें जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं करोड़ों रुपए नॉर्थ ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट पर्पज के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं स्किल बेस्ड इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप की जाती है टूरिज्म इंडस्ट्री वो सब चीजें यहाँ पे होती हैं तेक तो सा है। एक तो अभी 2022-23 के बजट में अनाउंस किया गया था उसका नाम है पीएम डिवाइन प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन इसके अंदर तो जो है मोर देन 1500 करोड़ रुपीज अलॉट किए गए हैं फॉर द डेवलपमेंट पर्पज उसके अलावा कई जगह एरिया पे अफसपा को भी रिमूव किया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे पास है जिसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट वगैरह के ध्यान रखा जाता है लोगों के साथ एन ऑल दैट उसके अलावा एक हमारे पास जैसे नेबरिंग कंट्री के साथ जैसे ऑपरेशन सनराइज इंडिया म्यांमार टारगेट इंसर्जेंटी ग्रुप्स के साथ तो ये म्यांमार के साथ हम लोगों ने किया है ताकि जो म्यांमार के अंदर जो एक्टिव ग्रुप्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके तो ये कुछ कुछ चीजें हैं कंटेंट आपको और आई होप अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो पिछले छः आठ महीने में तो ये नोट्स ऑलरेडी आपके पास होंगे बने हुए इंटरनल सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक दो क्वेश्चन वहां से हमेशा जीएस पेपर थ्री में आता है तो आई आई होप चलिए जी एन आर एफ मद्रास नंबर स्पॉट देखिए क्या कहता है ये देखिए इधर लिखिए आईआईटी मद्रास टॉप द लिस्ट ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 इस बार के रैंकिंग में भैया आया है मद्रास

आई हो गया ये साइंस वाला भी साइंस फील्ड में ही हो गया अरे आर्ट्स वालों को क्या यार तो अलग अलग फील्ड जो है वो इन्होंने इस बार जो है यहाँ पे डाले हैं तो उसकी लिस्ट मैंने आपको प्रॉपर दिया हुआ लेकिन पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनआईआरएफ होता क्या है ये थोड़ा स्पेस यहाँ पे आ गया इसको थोड़ा देख लेना ठीक है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआर टू में बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था और इंडिया में, uh, uh, में लॉन्च किया गया था जिसमें हमारे देश की हायर एजुकेशन को रैंकिंग सेकेंडरी नहीं है भाई ये, कहीं में पूछ ले और आपको लगे कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस के साथ मार गया वहां पे आंसर घर पर आगे फिर माथा पकड़ के रोगे क्योंकि तो आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है इसलिए आपको कहता हो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना बड़ा जरूरी है तो पार्टिसिपेशन इन दई वॉज मेड कंपल्सरी एनी गवर्नमेंट रन एजुकेशन पहले कंपलसरी नहीं था इसके बाद हम लोग कंपलसरी कर दिया है तो ये भी पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट की जाता है रैंकिंग कौन कौन से है जी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज रिसर्च एंड द प्रोफेशनल प्रैक्टिस ग्रेजुएशन आउटकम आउटरीच एंड द इंक्लूसिव एंड द पीयर पार्टिसिपेशन उसके अलावा होती है, फिर यूनिवर्सिटीज की कॉलेजेस की रिसर्च इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इनोवेशन लॉ डेंटल एंड ऑल दैट ये रैंकिंग दी जाती है ये जो पांच पैरामीटर आपके बताए हैं इसके अंदर भी कैटेगराइजेशन होता है जैसे टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सिस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट स्ट्रेंथ और ये वेटेज है जितना वेटेज दिया जाता है फैकल्टी स्टूडेंट रेशो फैकल्टी विद द पी एच डी डिग्री फाइनेंशियल रिसोर्स और ऑनलाइन एजुकेशन अगर वो कुछ देता है कि नहीं देता इसके भी पंद्रह नंबर मिलते हैं भाई उसके अलावा जीरो पॉइंट थ्री जीरो जो वेटेज दिया गया है वो रिसर्च एंड प्रोफेशनल को दिया गया है फिर इसके अंदर भी वेटेज है पब्लिकेशन साइटेशन पेटेंट्स वगैरह कितने हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह और यहाँ पे ग्रेजुएशन आउटकम के अंदर प्लेसमेंट कितनी होती है वहाँ पे सैलरी कितनी है पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं वो सब यहाँ पे दिया जाता है आउटरीच एंड इंडस्ट्री के अंदर मतलब रीजनल डाइवर्सिटी रीजन डाइवर्सिटी क्या है वीमेन का पार्टिसिपेशन वहाँ पे क्या है फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स कितने वहाँ पे पढ़ते हैं इकोनॉमिकली यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे कितने हैं रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन क्या है तो सब यहाँ पे बेसिकली दिया जाता है और उसके बेसिस पे होती है ये रैंकिंग अब देखिए जरा इंडिया में बेस्ट कॉलेज कौन सा है यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कॉलेज की बात कर रहा हूँ मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली

उसके अलावा जो ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो हम लोगों ने देख ही लिया है ओवरऑल रैंकिंग जो मेन पेज पे दिया हुआ था अपार्ट फ्रॉम दैट अगर लॉ की डिग्री की बात करें तो लॉ में कौन कौन से है भाई अपने यहाँ पे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ द ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू डेली नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी कलकत्ता जामिया मिलिया जो है न्यू दिल्ली यहाँ पे आता है पांचवें नंबर पे मेडिकल के अंदर एम्स तो नो डाउट नंबर वन पे है ही दिल्ली उसके अलावा जो जो पीजीआई है चंडीगढ़ दूसरे नंबर है College, वेलोर, में। Health, ये सब देख सकते उसके फार्मेसी की जामिया हमदर्द है जे कॉलेज है बिरला इंस्टीट्यूट है, है, है पिलानी ठीक है तो ये भी आप देख सकते हो तो दे आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत रैंकिंग के बारे में ऐसा रट्टा नहीं मारना है रैंकिंग का आपको समझना चाहिए बस चलिए द डिकेड लॉन्ग सर्च फॉर अ रेयर बोसोन डीके कंटिन्यू तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बड़ा कोर टॉपिक है ये और यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में आ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फिजिसिस्ट बनने की रिक्वायरमेंट है जनरल जनरल चीज आपको पता होंगी तो आ, काम आपका हो जाता है देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं ना सबका एक वेट होता है सबके अंदर मास होता है बेसिकली सबके अंदर मास होता है सबके अंदर का मेरा मतलब क्या है सबके अंदर का मतलब है आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके, है. है, उनके, है. है, उनके अंदर भी मास होता है आपके जो प्रोटोन होते हैं उनके अंदर भी मास होता है आपके जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके अंदर भी मास होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रोन वगैरह जो भी होते हैं ये फर्दर सब पार्टिकल से बने होते हैं क्वार्क्स वगैरह वो सबसे बने होते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रही है उसका एक मास तो होता है फोटोन्स का मास नहीं होता ये मासलेस होते हैं फोटोन समझ रहे हो जो सनलाइट आती है ना उसका कोई मास नहीं होता है सबका इनका बाकी मास होता है लेकिन ये मास होता क्यों है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है कहां से ये मास आया कौन सी चीज ने उनको मास प्रोवाइड करवाया इसकी जो डिस्कवरी है आ, काफी साल पहले कर दी गई थी लेकिन अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था कि मास आया तो आया कहां से जैसे हमारे पास ग्रेविटी का फील्ड होता है, है ना लेकिन ग्रेविटी फील्ड ना वीक फोर्स होता है ग्रेविटी की रेंज ज्यादा होती है लेकिन वीक फोर्स होता है और डिस्टेंस के साथ साथ ग्रेविटी कम होने लगती है लेकिन लेकिन इन्होंने पीटर हिग्स ने बहुत साल पहले यह बताया था कि अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी एक और ऐसा फोर्स है पूरी दुनिया में पूरे यूनिवर्स के अंदर जो कॉन्स्टेंट है हर जगह है वो कॉन्स्टेंट है ग्रेविटी भैया खत्म हो जाती है एक जगह पे जाके लेकिन ये खत्म नहीं होगा और उन्होंने कहा था इसे फील्ड फील्ड और उन्होंने बेसिकली ये कहा था जो भी पार्टिकल हिग्स फील्ड के साथ रिएक्ट करते हैं इंटरक्ट करते हैं उनको मास होता है और जो हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करते वो मास होते हैं जैसे हमारे फोटो जो जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा उसके अंदर उतना ही मास होगा ठीक है और ये जो हिग्स फील्ड है वो एक पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे कहा गया है हिग्स बोसोन अब हिग्स बोसोन को भैया कैसे सर्च करेंगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए तो आपको बिग बैंग के पास जाना पड़ेगा लेकिन बिग बैंग तो हम जा नहीं सकते तो हम लोगों ने क्या किया अपनी धरती के ऊपर ही बिग बैंग को रेप्लीकेट किया ठीक है और उस रेप्लीकेट करने के लिए जो मशीन है दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी साइंटिफिक मशीन है उसे कहा गया एल सी एच इसमें हम लोगों ने क्या किया देखिए यहां पे मैंने दिया हुआ था आपको ठीक है ये है एल सी एच है आ, ये जो है मोस्टली फ्रांस के अंदर पड़ता है जेनेवा के आसपास भी पड़ता है बॉर्डर पे है बेसिकली ज्यादातर तो फ्रांस में ही है तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया पहले इसके अंदर प्रोटोन्स लिए उनको बहुत ज्यादा स्पीड पे उनको रोटेट करवाया ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट नाइन 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 एट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट ठीक है जी यहां से उसको करवाया फिर वो यहां गए फिर फिर यहां पे गए और फिर जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में गए घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे और फिर कहीं यहां जाके उनको आपस में कोलाइड करवाया जब इन दो प्रोटॉन्स ने आपस में कोलाइड किया तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई और बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स भी निकले जिनमें से एक पार्टिकल था हिग्स बॉसोन ये वो वो हिग्स हिग्स बोसोन बोसोन है 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 जिसे पार्टिकल पार्टिकल भी कहा जाता है। ये वो बोसोन पार्टिकल है जो कि हर चीज को मास प्रोवाइड करवाता है हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वगैरह को प्रोवाइड करवाता है या और भी जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं सब एटोमिक पार्टिकल्स इसकी डिस्कवरी हुई थी 2015 के 2012 में इसकी डिस्कवरी हुई थी ठीक है इसे कहा जाता है हिग्स बोसोन अभी रिसेंट डिस्कवरी क्या हुई है हिग्स बोसोन ना बहुत अनस्टेबल पार्टिकल है ये फर्दर स्मॉलर पार्टिकल में चेंज हो जाता है तो हिस्सा किस में चेंज हो गया बोसोन पार्टिकल और के अंदर चेंज हो गया अब वो क्यों हुआ है इसकी डिस्कवरी हमारे पास अभी आंसर नहीं है मे भी फ्यूचर में अगले दस पंद्रह साल में आंसर मिल जाएगा पर फिलहाल इसका आंसर नहीं है लेकिन हाँ वो हुआ है इसका मैथमेटिकल हमारे पास प्रूफ पहले था प्रैक्टिकल प्रूफ भी मिल गया है तो ये हिक्स क्या होता। मैंने अपने बता ही दिया है तो दो हजार लेकर टू तक दस साल लगे साइंटिस्ट को यह मशीन बनाने में फिर मशीन बनाने के बाद ये चलने लगी तो भैया खराब हो गई खराब होने के बाद फिर दो तीन साल इसको रिपेयर करने में लगे दस हजार से ज्यादा साइंटिस्ट दुनिया भर के इसमें लगे हुए थे और फाइनली वो मशीन चली और फिर हम लोगों ने डिस्कवर किया और उस डिस्कवरी के चक्कर मतलब हम लोगों ने फाइनली डिस्कवर किया था हिक्स पार्टिकल, वो पार्टिकल जिसे कहा जाता है और फिर फाइनली 2013 में मिस्टर पीटर हग्स को क्या मिला इनको मिला नोबेल प्राइज ठीक है चलिए देखिए इसके अंदर दो वर्ड है एक है, है बोसोन हिग्स जो है वो है पीटर हिग्स ठीक है बोसोन कौन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है ये इंडियन साइंटिस्ट थे पूरा नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में तो मजा आएगा ठीक है चलिए जी अभी छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ ठीक है अनाउंसमेंट ये है एक तो हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम चलता है सैटरडे को आप सबको अच्छे से पता ही है उसके बारे में रोज बताता हूँ आपको आप इस कोड को स्कैन करेंगे तो आपका सामने पूरा ओपन हो जाएगा एस सी वन थाउजेंड अगर आप कोड डालोगे तो थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा मैं ही वो क्लासेस लेता हूँ प्रीलिम्स और मेंस दोनों से क्लासेस ली जाती हैं डिसेंट वे में आपके साथ डिस्कशन की जाती है अगर आप फाउंडेशन कोर्स हमारा जल्दी ही लॉन्च होने वाला आई थिंक आठ तारीख से है आप ये नंबर आपको दिया हुआ है या वेबसाइट विजिट कर सकते हो कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बहुत डिटेल में प्रीलिम्स मेंस इंक्लूडिंग करंट अफेयर पीडीएफ नोट्स वगैरह सब आपको यहाँ पे दिया जाता है और ये करंट अफेयर का आप ज्वाइन कर लीजिए दस बारह रुपए आपकी चाय के बराबर का डेली का खर्चा है और करंट अफेयर तैयार हो जाएगा करंट अफेयर के वेटेज बहुत बढ़ गया है भाई दो साल का करंट अफेयर आपको चाहिए कम से कम यूपीएससी के लिए जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं मेंस में में प्रीलिम्स भी अभी वो आठ दस महीने वाला करंट अफेयर वाला जमाना गया तो थोड़ा सा डिटेल में जाने की जरूरत है चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये वाला है वट इज द ट्रेड मोमेंटम कुछ खास दमदार टॉपिक लगा नहीं मुझे वही किसी पीटी सी सी बातें इसके अंदर कही गई है पर थोड़ा बता देता हूँ हल्का फुल्का क्या है ये देखिए दुनिया भर का ट्रेड कम हो रहा है भाई मतलब हम तो इंडिया से कंसर्न है यार और इंडिया दुनिया से जुड़ा हुआ है तो जो दुनिया में हो रहा है उसका इंपैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ेगा ऑफ कोर्स इट्स अ वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखिए हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है ठीक है कितना कम हो गया 12.7 परसेंट श्रिंक हो गया है पिछले साल के कंपैरिजन में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी कम हुआ है इंपोर्ट कितना कम हुआ है फोर्टीन कम हुआ है हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही कम हो रहे हैं अब बात करता है कि भैया इसका कारण क्या है कारण है वीक इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है भाई पूरी दुनिया में यूरोप में अमेरिका में ठीक है अब आपको ये पता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है और जब मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो लोग पैसा सेव करने की कोशिश करते हैं कई बार तो इन्फ्लेशन बढ़ा टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी यूरोप अमेरिका में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब लोगों को पैसा मार्केट से उठाना आसान नहीं है बैंकों से लोन लेना आसान नहीं है, है. तो जब कम होती है तो लोग पैसा नहीं खर्चा करते हैं है और रशिया यूक्रेन का इम्पैक्ट आज तक नजर आ रहा है कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेप्स हो गए अमेरिका के कई सारे बैंक बंद हो गए जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए सिलीकोन वैली बैंक बंद हो गया सिग्नेचर बैंक बैंक करप्ट हो गया फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ये भी बैंक करप्ट हो गया इसकी वजह से जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जा रहा है धीरे-धीरे करके है ना तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन यहां पे नजर आता है उसके अलावा मतलब वो छोटी-छोटी चीजें जो उन्होंने यहां पे बताई हैं कि भाई लोगों की रियल इनकम डाउन चली गई है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है रशिया से Uh, के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी यूरोप की उसका खास नजर यहाँ पे नजर आ रही है एलपीजी वगैरह जो एलएनजी नेचुरल गैस वगैरह इंपोर्ट की जाती थी रशिया से वो नहीं होती है तो यूएसए कतार नॉर्वे वगैरह से करनी पड़ रही है यूरोपियन कंट्रीज को अब यह सीधी सी बात है अगर आप रशिया से मंगवाते हो नेचुरल गैस तो सीधी पाइप से आती है अगर आप अमेरिका से मंगवाते हो तो पाइप से तो नहीं आएगी वहां से तो शिप के अंदर आएगी तो कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो सब कुछ महंगा हो गया खासकर विंटर सीजन में हीटिंग वाला पर्पज के लिए वो सब यूज किया जाता है है ना वो सारी चीजें हैं इंडिया के इसके पर क्या पड़ सकता देखिए यूरोपियन इकोनॉमिक फोरकास्ट ने ये कहा है कि यूरोप ऑलमोस्ट रिसेशन के आने वाला है यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट और यूरोपियन यूनियन इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है तो इंडिया के ऊपर भी डेफिनेटली उसका इंपैक्ट नजर आएगा अमेरिका में भी जो है इन्फ्लेशन दो के आसपास चल रहा है आपको दो परसेंट कम लग रहा होगा लेकिन वहां पे उसके हिसाब से काफी ज्यादा है ठीक है हम तो पांच छह सात परसेंट तक के भी हमारे यहाँ पे नॉर्मल सी बात है वहां पे नहीं है आई नॉर्मल चीज और वहां का जो पीएमआई इंडेक्स है वो भी यही दिखा रहा है कि उस पे रिसेशन आ सकता है तो इन सब का इम्पेक्ट जो है इंडिया के ऊपर डेफिनेटली पड़ता है हालांकि हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो किया है लेकिन जो मर्चेंडाइज सेक्टर है ना गुड सेक्टर वो इम्पोर्ट यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आगे क्या हो सकता है आगे भी इन्होंने यही कहा कि दो तीन महीने जो अगले हैं वो बड़े ध्यान से क्रूशियल हैं जिस तरह से ग्लोबल चीजें काम करेंगी फिलहाल तो ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है खासकर अमेरिका वगैरह में भी दिक्कत थोड़ी नज़र यहाँ पे आ रही है आ, लेकिन धीरे धीरे में भी और जैसे हमारा जो ज्वेलरी सेक्टर है आ, आ, अपने यहाँ पे जो इंजीनियरिंग डिवाइसेस हैं जो केमिकल आ, जो 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 हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इनकी डिमांड जो है दुनिया में खासी कम हो रही है तो जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को यहाँ पे, पे डाउन गया है हैव बीन बिकॉज ऑफ द द स्टेबल ऑयल ऑयल रिड्यूसिंग बिल्स ये तो बात है पहले हम लोगों को सऊदी अरेबिया से मंगवाना पड़ता था ऑयल अब हम लोग रशिया से मंगवा रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा इम्पोर्ट का बिल तो कम हुआ है इसमें नो डाउट क्योंकि तो रशिया से हमें थोड़ा डिस्काउंट रेट मिल रहा है तो ये चीजें हैं इस आर्टिकल के अंदर और इसमें कुछ खास लगा नहीं मुझे घिसी पिटी सी बातें बोली गई हैं हाँ आज का एडिटोरियल क्या कहता है एडिटोरियल कहता है जी डीप फेक के बारे में बात करता है डीप फेक मतलब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ इस समय ठीक है डीप फेक का मतलब ये है कि कंप्यूटर का यूज करके कुछ खास सॉफ्टवेयर का यूज करके मेरी वॉइस को मिमिक किया जाए मेरे एक्सप्रेशन को मिमिक किया जाए और मैं गाली देने लगूँ यानी किसी के बारे में बारे में बुरा 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 भला कहने लगूँ तो मशीन मेरे एक्सप्रेशन को मेरी वॉइस को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकता है आप बता ही नहीं पाओगे कि ये रियल है या फेक है आपको देखने में ऐसा लगेगा बिल्कुल फेक है थोड़े समय पहले बराक ओबामा का एक वीडियो वायरल हुआ था दुनिया भर में जिसमें बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप को गाली गलोच कर रहे थे भयंकर तरीके से बाद में पता चला कि भाई वो तो डीप फेक है फेक है वो इतना फेक है इतना डीप फेक है कि आप बता ही नहीं पा सकते कि वो ओरिजिनल है या फेक है ये दिक्कत यहां पे है तो फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है डीप फेक के द्वारा आपकी जो रियलिटी है उसे डिस्टोर्ट किया जा रहा है आप बता ही नहीं सकते ये रियल है या फेक है कई बार वो फेल होता है कई बार वो सक्सेसफुल भी हो जाता है तो एक ही एग्जाम्पल उसका और दिखाऊं आपको प्रोटेस्ट चल रहे हैं रेस्लर प्रोटेस्ट चल रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर पे पुलिस उनको पकड़ के ले गई उनको बस में लेके जा रही थी पुलिस तो उस समय पुनिया साहब ने क्या किया एक सेल्फी लिया जिसमें रेसलर्स बैठे हुए थे इंटरनेट पे जो फोटो सर्कुलेट हुई वो क्या थी कि रेसलर सब हंस रहे हैं स्माइल कर रहे हैं वो जो फोटो थी वो नकली फोटो थी एक्चुअली जो रियल फोटो थी वो बहुत सैड उसमें बैठे हुए थे और ये दिखा रहे थे कि भैया देखो पुलिस ने हमारे साथ बर्बरता किया है लेकिन ये क्या किया ये डीप फेक नहीं है आजकल इतना बड़ा आसान है यार आप इंस्टाग्राम चलाते ही हो रील्स वगैरह बनाते ही हो तो रील्स पे आप देखो कि कोई भी फिल्टर यूज कर सकता है है ना आपके फेस को वो क्राइंग भी दिखा सकता है स्माइलिंग भी दिखा सकता है कुछ भी दिखा सकता है आप सोच के देखिए जब नॉर्मल से फिल्टर से इतना हंगामा हो सकता है तो डीप फेक से कितना हंगामा हो जाता होगा है ना ये डीप फेक बहुत बड़ा कंसर्न है तो जो फोटोशॉप पे हम लोग नॉर्मली चेंजिंग करते हैं ये उससे बहुत ज्यादा है मशीन लर्निंग करता है भाई सब कुछ मशीन लर्निंग करता है और रियल टाइम में करता है लाइव कर देता है आपको मतलब ओबामा साहब हैं बैठे हैं यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया कि चार बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा उसी समय लाइव टेलीकास्ट पे इनको डीप फेक किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि वीडियो को रिकॉर्ड करके बाद में डीप फेक करें। नहीं भाई आजकल चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं इनके फेशियल एक्सप्रेशन इनका वॉइस बॉडी स्ट्रक्चर पोस्चर एवरीथिंग कुड बी लाइक डीप फेक ये इतनी सारी चीजें हो रही हैं और इनका वीडियो वायरल भी हुआ था कुछ समय पहले एक एग्जाम्पल आपको और दिखाऊं देखिए दिखाता हूँ एग्जाम्पल बड़ा फनी भी है ये फनी इन द सेंस इसलिए है क्योंकि एक हमारा हमारे देश का एक टीवी चैनल है रिपब्लिक टीवी इसने थोड़े समय पहले एक न्यूज दिखा रहे थे अपने चैनल के ऊपर कि जो पैंटागोन है अमेरिका में उसमें एक टेररिस्ट अटैक हुआ है ब्लास्ट हुआ है और ये इन्होंने दिन भर वीडियो दिखाया बाद में पता चला कि भाई ये वीडियो तो डीप फेक है ये तो कंप्यूटर से बनाया गया वीडियो है और हमारे न्यूज चैनल्स को दिखा रहे हैं सिर्फ यही चैनल नहीं और भी कई चैनल दिखा रहे थे सेंसेशन पैदा करने के लिए ज्यादा व्यूज लेके आने के लिए अरे भाई आप न्यूज चैनल हो यार कम से कम से इतना तो कंफर्म कर लो अमेरिका में आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठे होंगे कम कम से कम एक बार उनको फोन कर ही, हो नहीं कर ही लो होंगेगोन के आसपास भी आपके कोई ना कोई तो बैठा ही होगा आप इतना बड़ा चैनल चलाते हो तो कम से कम पर उनको बोलो कि भाई एक बार थोड़ा पैंटागोन का चक्कर लगा के आ जाओ देखो वहां पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है बस न्यूज आ रही है कोई भी फेक और उसको दिखाया जा रहा है तो क्रेडिबिलिटी ना और लोगों के मन में डर

किसी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की जो है रिवेंज पोन बना दी जाती हैं और उनसे कुछ सेंसिटिव या थ्रेटनिंग मैसेज डलवा दिए जाते हैं वो तो नॉर्मल सी चीज हो गई है क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई क्या आप इसको कर सकते हो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट कैपेसिटी तो है लेकिन शुड यू डू इट ये बड़ा सवाल है एथिकल सवाल है ये क्या आप ऐसा कर सकते हो या आपको ऐसा करना चाहिए तो चैट जीपीटी की जैसे बात यहां पे करते हैं या फेक की बात करते हैं जैसे सोशल एंड सोलर इंजीनियरिंग अब आपको क्लाइमेट चेंज रोकना है कुछ साइंटिस्ट का यह कहना है जैसे ही हमारी अर्थ है अर्थ को हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है कुछ साइंटिस्ट का यह कहना है अगर हम लोग स्पेस के अंदर कुछ मिरर्स लगा देंगे इससे हमारी सनलाइट जो है वो धरती पे नहीं आएगी यहाँ पे शेडो हो जाएगी जब सनलाइट ही धरती पे नहीं आएगी तो क्लाइमेट चेंज अपने आप ही रिवर्स हो जाएगा कैन यू डू इट यस शुड यू डू इट मे बी नो तो सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हो सवाल यह है कि एथिकल मोरल सवाल है क्या आपको करना चाहिए ऐसा ही बात डी फेक का है टेक्नोलॉजी है।, है आपके पास आप कर सकते हो क्या करना चाहिए ये बड़ा सवाल है तो ये आपकी आपकी कैपेसिटी और मॉरल जो वैल्यूज हैं प्रिंसिपल्स हैं उनके बीच में बैलेंस बनाने की बात है तो वही महात्मा बुद्ध का हमेशा से ही सोल्यूशन होता है मिडल पाथ आपको लेके आना पड़ेगा कुछ रेगुलेशन आपको लेने पड़े, आने पड़ेंगे इस समय दुनिया में चाइना ही एक ऐसा कंट्री है।, है।, है तो डीप फेक की जब हम लोग बात करते हैं तो आर सम गुड थिंग्स देर थिंग्स ऑल्सो अच्छा आस्पेक्ट क्या हो सकता है डीप फेक का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा फैक्ट हो सकता है इसका जैसे अब ये मान के चलिए कि भाई मार्टिन लूथर किंग अब वो तो नहीं रहे दुनिया में लेकिन मैंने मार्टिन लूथर किंग को एक मूवी के अंदर एज अ करेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस करना है तो डी फेक का यूज करके किया जा सकता है एंटरटेनमेंट परपज के लिए यस डेफिनेटली हाई क्वालिटी विजुअल ऑडियो इम्पैक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं इसके द्वारा एजुकेशन में इसका जो है काफी अच्छा खासा रोल हो सकता है जो हिस्टोरिक हिस्टोरिकल फिगर्स होते हैं उनकी स्पीच वगैरह होती हैं अब अब देखे मैंने जैसे गांधी जी ठीक है गांधी जी की बहुत लिमिटेड सी फुटेज हमारे पास है लेकिन गांधी जी का लिखा हुआ काफी लिटरेचर हमारे पास है तो ऐसा हो सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कि कि गांधी गांधी जी जी को एज अ डीप फेक करके ऐसा दिखाया जाए कि गांधी जी खुद वो चीज पढ़ा रहे हैं या अंबेडकर कोई भी ठीक है तो एजुकेशन में भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो सकता है नेगेटिव इंपैक्ट इसके थोड़े ज्यादा नजर आते हैं मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज वगैरह फैलाई जाती है अनफॉर्चुनेटली इससे धोखाधड़ी होती है इससे डेफिनेटली और नॉन कंसेंसल होता है बेसिकली जिस आदमी का आप यूज कर रहे हो उसके तो प्राइवेसी खत्म हो गए ना यार आपने उसे परमिशन थोड़ी ना लिया है कि आपका डी फेक हम लोग यूज करेंगे कर कर सकते सकते हैं हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ट्रूथ और फिक्शन के बीच में जो बाउंड्री है वो खत्म होती जा रही है दस साल पहले जब डी फेक होता था तब सीधा सीधा बता सकते थे कि यार ये नकली है दिखने में ही लगता था आजकल इतना सोफिस्टिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया बता ही नहीं सकते कई बार तो रियल वाला फेक लगता है फेक वाला ज्यादा रियल लगता है इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी साफ सुथरी हो गई है मतलब इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है तो property, भरोसा नहीं कर सकते क्या वो नकली हो और बहुत कैसी होती भी है तो ट्रस्ट नहीं है किसी के ऊपर मतलब पहले लोग ये कहते थे कि जो आंखों को देखा हुआ होता है वही सही होता है अब तो वो भी नहीं है भाई जब तो फेक होता नजर आ रहा है ऑब्वियसली तो इससे रिपब्लिक टीवी ने ये चला दी कुछ टाइम पहले न्यूज चलाई थी कि भैया के नोट में चीप है तो क्या इनके भरोसा कर सकते हैं क्या कुछ भी दिखा रहे हैं लोग टीआरबी के चक्कर में तो ये थोड़ी समस्या यहाँ पे नजर आती है लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ठीक है जी तो यही था इस आर्टिकल के अंदर और तो कुछ था नहीं दो तीन हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं अगर आप पढ़ना चाहो तो इनको पढ़ सकते हो ठीक है जी लेकिन किसी भी स्टूडेंट पूरा देखा, देखा करो तभी कुछ बेनिफिट नजर आएगा अदरवाइज एक दो टॉपिक देखने से कोई खास मजा नहीं आता है पूरा देखो बेशक उसको टुकड़ों में देखो आपकी मर्जी है लेकिन वीडियो पूरा देखना आपने चलिए इसके साथ ही एंड तो करते हैं थैंक यू वेरी मच मच ऑल द बेस्ट जय हिंद